कांग्रेस की कमान अब किसके हाथ होगी, इसका फैसला अब तक नहीं हो पाया है। पार्टी के दिग्गज अभी मंथन कर रहे हैं कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा। लेकिन इस मंथन में जितना वक्त लग रहा है, उसे लेकर अब पार्टी के अंदर आवाज उठने लगी है। कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बेशक कांग्रेस के लिए वक्त कठिन है, लेकिन पार्टी को अब देरी किए बगैर नया अध्यक्ष चुन लेना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पार्टी को सामूहिक निर्णय जल्द लेना चाहिए। सिंधिया ने दोहराया कि राहुल गांधी को इस्तीफा दिए 7 हफ्ते गुजर चुके हैं, ऐसे में पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए जल्द से जल्द नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। और मैं ये दोबारा कहूंगा कि ये निर्णय जल्द होना चाहिए। 7 हफ्ते बीत गए हैं और संयुक्त रूप से साथ मिलकर हमें करना है। ये समय नहीं है एक एक कांग्रेस जन को अपने एजेंडा चलाने का, ये समय है सबको साथ मिलकर संयुक्त निर्णय। लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही राहुल गांधी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उसके बाद राहुल गांधी को मनाने की कोशिश होती रही, लेकिन बाद में राहुल ने साफ कर दिया कि वो अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। इसके बाद कई कांग्रेस नेता ने नए अध्यक्ष को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसी युवा को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की सलाह दी है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह ने एक अध्यक्ष के साथ 4 जोन के लिए 4 उपाध्यक्ष बनाने की सलाह दी है। कांग्रेस के पूर्व महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा था कि राहुल गांधी को नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए कमेटी बनानी चाहिए थी। हालांकि इन सुझावों के बाद भी नए अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस कार्य समिति को ही फैसला करना होगा। ये एक संयुक्त निर्णय होना होगा। कांग्रेस की कार्य समिति है जिसमें 23 या 24 सदस्य हैं और विस्तृत कार्य समिति है जिसमें करीब 52 या 53 सदस्य हैं। सभी सदस्यों को साथ मिलकर ये संयुक्त निर्णय लेना होगा। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इसलिए आम कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता तक ये चाहते हैं कि पार्टी जल्द से जल्द नए अध्यक्ष का चुनाव करे, ताकि चंद महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर दमखम के साथ उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।